हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात कर रहे हैं फ्रूट्स की। तो ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि फ्रूट्स बहुत ही हेल्दी होते हैं और हमें इन्हें अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए, और इसलिए हम फ्रूट्स को लेकर भी आते हैं। बट हम में से अधिकतर लोग अपने बिजी शेड्यूल की वजह से फ्रूट्स को खाने के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो आज मैं कुछ शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसे टिप्स जिससे आप फ्रूट्स को खा भी सकेंगे रेगुलरली। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पॉमग्रेनेट यानी कि अनार की। अनार में होते हैं बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं अनार में। अनार में विटामिन सी होता है और अनार में बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन भी होता है, जो कि हमारे खून बढ़ाने में भी मदद करता है। बट इसको छीलना इतना पेचीदा काम होता है कि हम कई बार इसको हमें टाइम नहीं मिलता इसको छीलने का, और हम ये अनार रखे ही रह जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दे रही हूँ एक टिप्स जिससे आप अनार को बहुत आसानी से छील लेंगे। तो सबसे पहले अनार को आप इसमें सिर्फ कट मारिए, उसको पूरा आधा आधा काटिए मत, उससे आपके सीड भी कट जाते हैं और जूस निकल जाता है। तो कट मारने के बाद आप उसको हाथ से इस तरह से तोड़िए जैसे मैं तोड़ रही हूँ, इससे आपके सीड बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। और उसके बाद आप जब उसको दो टुकड़े कर लेंगे, उसके बाद आप अनार को कोई भी बेलन ले लीजिए या फिर लकड़ी का कोई स्पून ले लीजिए, उसे हल्का हल्का टैप कर लीजिए। ऐसा करने से अनार के दाने आपके बहुत जल्दी से निकल आएंगे, क्योंकि वो दाने नीचे से बेस को छोड़ देते हैं। और आप इसको हल्का सा, जैसे हम आइस क्यूब में आइस ट्रे में से आइस क्यूब्स निकालते हैं, उस तरह से आप हाथों की सहायता से उसको अनार के सीड्स को निकाल लीजिए, बहुत आसानी से निकल आते हैं ऐसा करने से। अनार छीलना थोड़ा सा लंबा काम होता है, इसलिए कई बार बच्चे मांगते हैं तो हम दे भी नहीं पाते हैं उनको। इस तरह से आप पूरा निकाल के दो तीन अनार जितने भी आप निकाल के आप फ्रिज में रख दीजिए, स्टोर कर सकते हैं आप आराम से। अदरवाइज़ क्या होता है, अनार यहाँ से सड़ने भी लग जाते हैं, कई बार आपने देखा होगा। तो अगर आप सीड निकाल के रख देंगे तो अनार आपका सड़ेगा भी नहीं, और आप सेफली कोई इसका न्यूट्रिशन भी कम नहीं होता इस तरह से आप देखेंगे। और जब आपके बच्चे मांगेंगे तो आप दे सकते हैं। अदरवाइज़ कई बार बच्चे मांगते हैं और हम कुछ दूसरा काम कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं ठीक है बेटा बाद में देंगे, और बाद में हम भी भूल जाते हैं, बच्चे भी भूल जाते हैं और वो खाते नहीं। तो इस तरह से जब भी बच्चे मांगेंगे आप दे दीजिए उनको, या जैसे भी आपको यूज़ करना है, कस्टर्ड वगैरह डालना है तब भी आप यूज़ कर सकती हैं। तो इस तरह से अनार रखना बहुत ही हेल्दी रहता है, बहुत ही अच्छा भी रहता है, और बहुत टाइम सेविंग है, और आपके बच्चे अनार को खा भी लेंगे। सेकेंड हम बात कर रहे हैं चीकू की। तो चीकू तो हम में से बहुत सारे लोगों को पसंद होता है, स्पेशली बच्चों को चीकू बहुत पसंद होता है, क्योंकि चीकू एक बहुत स्वीट होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में उसमें होते हैं ग्लूकोज होता है, इसमें एनर्जी होती है, फ्रक्टोज होता है, और बहुत ही इंस्टेंट एनर्जी देता है चीकू। और चीकू में फाइबर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, तो चीकू बहुत हेल्दी भी होता है। तो जब भी आप चीकू लाएँ तो सबसे पहले ध्यान रखें कि आप ज़्यादातर चीकू को एकदम बहुत ज़्यादा पका चीकू कभी भी ना लें, चीकू को टाइट टाइट चीकू लें सारे। और कुछ चीकू आप चाहें तो उसमें हरे हरे यानी कि थोड़े कच्चे भी ले सकती है, क्योंकि चीकू बहुत जल्दी पक जाता है। तो उसके बाद आप चीकू को घर में लाने के बाद आप जो चीकू पकते जा रहे हैं उनको अलग करते जाइए। और तो इससे क्या होगा, क्या कोई जो कच्चे चीकू हैं वो एक दो दिन आपके चल भी जाएंगे, क्योंकि चीकू बहुत जल्दी पकता है। तो आप चीकू को थोड़ा सा कच्चा ही लीजिए, उसके बाद जो चीकू पकते हैं आप बच्चे को देते जाइए, और बाकी के चीकू भी एक दो दिन में बहुत जल्दी पक जाएंगे। इससे आपके चीकू सड़ेंगे नहीं। और चीकू को फ्रिज में मत रखिए, चीकू को फ्रिज में रखने से चीकू गीले हो जाते हैं और चीकू में नमी भर जाती है, और चीकू का टेस्ट भी इतना अच्छा नहीं रहता है, और जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं। तो अगर आपके चीकू बाद में बच भी जाते हैं तो आप बाद में जिनको चीकू शेक बना के भी सकते हैं, जो कि बहुत ही एनर्जी ड्रिंक है, इसका वीडियो भी मैंने शेयर किया हुआ, वहाँ से देख सकते हैं। इस तरह से आप अगर चीकू लाएंगी तो मिला जुला करके तो आपके चीकू बहुत दिनों तक चल जाएंगे और ख़राब भी नहीं होंगे, और अच्छी तरह से आप उनको यूज़ भी कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं गुआवा की। गुआवा सर्दियों का एक फेवरेट फ्रूट है और सभी को बहुत पसंद होता है, बच्चे हों या कोई भी, उस गुआवा सभी को पसंद होता है। और गुआवा में विटामिन सी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, गुआवा ओरल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, और गुआवा में एंटी कैंसरस गुण भी होते हैं। तो फ्रेंड्स, गुआवा हमें ज़रूर शामिल करना चाहिए अपनी डाइट में। तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि गुआवा भी हमें कुछ पके लेने चाहिए, कुछ कच्चे लेने चाहिए, क्योंकि जिससे जिसको जो भी पसंद होगा उस तरह से वो खा भी लेंगे, और दूसरा भी गुआवा भी बहुत जल्दी पक जाते हैं। तो आप उस तरह से आप गुआवा को भी कुछ पक्के कुछ कच्चे छांट के लेके आ सकते हैं। और दूसरी बात बता दूं कि मुझे ये जो मैं गुआवा लेके आती हूँ तो मुझे लीव्स के साथ बहुत अच्छा लगता है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है देखने में भी, जैसे पिक्चर्स में बना होता है बिल्कुल वैसा। तो मुझे लीव्स के साथ बहुत अच्छा लगता है, मैं हमेशा लीव्स के साथ में अगर मुझे मिलता है तो मैं हमेशा लीव्स को ले आती हूँ, उसको ऐसे ही बास्केट में रख भी देती हूँ। तो गुआवा को आप सिंपली कट करके और नमक डाल के खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और दूसरी बात मैं आपको एक और बता देती हूँ टिप्स गुआवा खरीदने के लिए, कि जब भी आप अमरूद या गुआवा खरीदें तो हमेशा उन पर देख के लें कि जो उन पर रेड रेड स्पॉट होते हैं, चित्ती रेड रेड होती हैं, ये वाले गुआवे अमरूद लें आप, ये पक्का 100% मीठे होते हैं, गारंटेड ये अमरूद मीठे ही होते हैं। आप हमेशा जब भी लें तो जरूर इसको मेरी बात को जरूर आजमा के देखें कि जब भी आप इस तरह के गुआवा लेंगे तो मीठे होते हैं, जबकि जो प्लेन गुआवा होते हैं जिसमें चित्तियाँ नहीं होती हैं वो कंपेरेटिवली कम मीठे होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे
फिर से अनार की। तो अनार को फ्रेंड्स जब भी आप लें तो जो यहाँ से अनार जुड़ा होता है डाली से, वो पोर्शन जो होता है वो अनार का निकला हुआ नहीं होना चाहिए, वो पोर्शन फ्लैट होना चाहिए, जिसमें निकला हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए इस ऐसे वाले अनार अक्सर कच्चे होते हैं और इनका छिलका भी मोटा होता है, जबकि ऐसे वाले अनार पूरी तरह से पके होते हैं, इनका छिलका पतला होता है, उसमें सीड भी मोटे होते हैं। तो आप इस तरह के अनार को जिसमें ये पोर्शन निकला होता है इसको अवॉइड करें, जबकि इस तरह के अनार को लें जिसका ये फ्लैट होता है। और दूसरी चीज़, आप जब अनार लें तो उसमें जो ब्राउन ब्राउन से स्पॉट होते हैं, ये वाले अनार लें, ये वाले अनार पक्का 100% मीठे होते हैं, मीठे तो होते ही हैं, पके होते हैं। ये सिम्टम होता है जब अनार पक जाता है तो उस पर ऐसे स्पॉट पड़ जाते हैं, तो ऐसे वाले स्पॉट को कई बार हम सोचते हैं कि ख़राब है, लेकिन ख़राब नहीं होता है, ज़रूर लें। ये वाले मीठे होते हैं अनार और इनके दाना भी मोटे होते हैं और पूरे 100% पके होते हैं, जबकि ऐसे अनार कंपेरेटिवली देखिए इस पर स्पॉट नहीं है और इसमें नीचे वाला पोर्शन थोड़ा निकला भी हुआ है, इसका मतलब अनार हल्का सा कच्चा है, इसमें नीचे वाला पोर्शन थोड़ा खाली निकलेगा और सीड भी इसके कच्चे हो सकता है, कच्चे निकले। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बनाना की, यानी कि केले। केले में होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम होता है, केले में जिंक भी होता है और केले बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होते हैं। केले में यह अब तो ज़्यादा आप जानते हैं कि केले में कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती है और केला इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी भी होता है। तो हम लोग अक्सर कन्फ्यूज होते हैं कि हमें केला कैसे लेना चाहिए, पके लेने चाहिए, कच्चे लेने चाहिए, ग्रीन या येलो। तो दोनों के अलग अलग बेनिफिट्स हैं। जो ग्रीन केला होता है वो डायबिटिक लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसमें स्टार्च बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है बट उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स थोड़े से कम होते हैं। तो जो पका हुआ केला होता है येलो वाला, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, साथ ही ये इसमें ग्लूकोज भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो अगर आप डायबिटिक नहीं है तो आपके लिए येलो वाला केला बहुत ही हेल्दी होता है। आप सो फ्रेंड्स इन शॉर्ट वी कैन से दैट फ्रूट्स आर फुल ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड नेचुरल शुगर। तो फ्रूट्स को हमें अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए, बिकॉज फ्रूट्स हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं। तो अगर आपके फ्रूट्स लास्ट में बच भी जाते हैं तो आप उनकी स्मूदी बना सकते हैं, मिल्क शेक वगैरह बना सकते हैं, कस्टर्ड बना सकते हैं। और अगर आप कुछ भी नहीं बना रहे हैं तो जस्ट सभी फ्रूट्स को कट कीजिए, चाट मसाला डाल दीजिए और आपकी फ्रूट चाट तैयार हो गई। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।